मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बार बार बात होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो सरकार कोई नया कार्यक्रम कोई नई चीज लेके आते हैं, इसके कारण सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। मैं दूसरे एक तरह से दूसरे विचार रखता हूँ उसके लिए। आपने कहा कि सरकार चुनाव का काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, एक साल डेढ़ साल पहले से शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि उस और पार्टी की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव और पार्टी को अलग करें, कोई जरूरत नहीं है कि सारे मंत्री चुनाव के कैंपेन पे लगे रहे। मैं उस ओर इशारा कर रहा हूँ, अगर हम पार्टी के काम और एग्जीक्यूटिव अगर आप कैबिनेट मंत्री हैं उसको अगर हम बाइफरकेट करने की कोशिश करें वो ज्यादा बेहतर होगा रहेगा। ये तो स्वेच्छा से आप चाहे तो साधु चुनाव वोट कर सकते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसका क्योंकि सारी जो आलोचना हो रही है तो वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। और हम काम रीजनल पार्टी की छोटी रीजनल पार्टी आप ठीक कह रहे हैं, रीजनल पार्टियाँ छोटी रीजनल पार्टी का आती है बन जाती है चली जाती है। आम आदमी पार्टी छोटी रीजनल पार्टी में उनकी नौकरी बड़ी हो गई, हो सकता है गायब हो जाए। लेकिन जब आप लोकसभा और एसएससी के चुनाव एक साथ कराते हैं तो इवन प्लेइंग क्योंकि वो बड़े इवेंट में दबके रह जाते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आज इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है और एक हिंदी डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा होगा वहां से मैं ही बैठा होगा तो बड़े इवेंट के सामने छोटा इवेंट दब जाता है। लेकिन अगर दो महीने एक महीने के बाद हिंदी डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ एक इवेंट कराएगा तो उसकी भी अपनी महत्ता होगी, वहां पर भी लोग जाएंगे सुनने के लिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। अगर एक डिपार्टमेंट और कुछ कर रहा होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनका वो बहुत दबे हुए दिखाई पड़े तो इस इवेंट का बहुत महत्व रहेगा। और तीसरी बात यूएस की, यूएस में प्रेसिडेंट चार साल के लिए इलेक्ट होते हैं लेकिन आप देखेंगे तो बीच में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है, साइकिल ऐसा है हर दो साल का होता है तो हल्का सा एक चुनावी मूड रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार लोगों ने बोले तो चार साल के बाद बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं अन्वेषा कर रहा हूँ, मेरे पास उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। रीजनल पार्टियों का मैंने कहा प्रमाण के साथ बता रहा था कि जब जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो जो छोटी रीजनल पार्टियां उनका वोट बड़ा होता है, वो 8-10% वोट लेके आते हैं 11% वोट लेके आते हैं। और जब अगर लोकसभा के साथ करा दीजिए तो वो 1-1.5% की पार्टी हो जाती है। अब तर्क अलग हो सकता है कि अच्छा ठीक है 10% ला करके क्या करेंगे, कुछ नहीं किया, लेकिन वो 10% जो वोट उनको मिला है कम से कम कुछ लोगों के विचारों को या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म बनता है। थैंक यू।